हेल्प लाइन है, अपने सवाल टैक्स रिलेटेड आप पूछ सकते हैं, हमारे नंबर लगातार इनफैक्ट फ्लैश हो रहे हैं अभी इस वक्त हमारे साथ हैदराबाद से सागरिक जी है, बहुत स्वागत है सर आपका, बताइए क्या सवाल है आपका। सर आई एम सागरिक कालिंग फ्रॉम हैदराबाद, एक्चुअली आई एम ए वीडो, माय हस्बैंड वाज इंजीनियर एंड ही इज एनआरआई, तो उनके पैसों से मैंने रिसेंटली एक घर लिया है और बाकी के दो 30 लाख की डिपॉजिट किए हैं, तो इसके ऊपर टैक्स लगेगा? सुनील जी आपके पैसे विदेश से आपके पति ने भेजे आपके पास? जी मैं भी, हम लोग, मेरे हस्बैंड इंजीनियर थे दुबई में मोर देन 35 इयर्स, उसके बाद ऑन ड्यूटी आए, उनके बाद डेथ हो गई, 2 इयर्स हो रहा, तो मैं एक फ्लैट ली और तो थोड़े पैसे भी फिक्स डिपॉजिट की। हाँ तो हमारे देश में फ्लैट लेने पे कोई टैक्स नहीं लगता है, फ्लैट बेचने पे टैक्स लगता है, और अगर आपको आपके हस्बैंड से कोई पैसा मिला है और आपने उसको डिपॉजिट करवाया, उसमें भी कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो बेसिकली जो उनका जो कह रहे हैं सवाल है कि टैक्स पे नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। कर दूं। ऑलराइट। और क्लबिंग भी लागू नहीं होगी, क्योंकि आप बता रहे हैं उनकी डेथ हो गई है, इसलिए क्लबिंग भी लागू नहीं होगी। ठीक है, ठीक है। हमारे पास एक और सवाल है गुजरात से गिरीश जी का, इन्होंने हमें इनफैक्ट व्हाट्सएप पे सवाल भेजा है। इनका कहना है कि LIC में इन्वेस्ट किया है, वो इन्वेस्टमेंट एग्जेम्प्ट लिमिट में आएगी, 3 लाख के ऊपर है या नहीं? इनफैक्ट असीम मैं आपसे जानना चाहूंगी, LIC से रिलेटेड सवाल है इनका, इन्वेस्टमेंट किया है इन्होंने? हाँ तो देखिए एग्जेम्प्ट अभी LIC के लिए चल रहा है, तो इनको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी LIC और NPS में फ़र्क है, NPS और LIC को आप इक्वेट नहीं करते, तो वो अभी वो एग्जेम्प्ट की पद्धति पे ही है। एक मेरे को छोटा सा इंटरवेंशन करना था पिछले सवाल में, चूँकि वो नॉन रेजिडेंट थे, तो इसमें फॉरेन एक्सचेंज का एक छोटा सा पहलू है कि इनहेरिटेंस जब होती है तो उसमें फॉरेन एक्सचेंज लॉस के प्रावधान का उल्लंघन नहीं होता, तो वो विडो मैडम को घबराने का कोई ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट असीम जी यहाँ पर हम कुछ और सवाल लें, उससे पहले आपसे वेरी क्विकली मैं जानना चाहूँगी कि जो मैंने इनफैक्ट सुनील गर्ग जी से भी पूछा था कि एक और जो प्रावधान है, चलिए इससे पहले हमारे पास एक कॉलर भी आ गए हैं गोरखपुर से, मधु सिंह जी हमारे साथ। जी मधु जी पूछिए अपना सवाल। हाँ मेरा सवाल ये है कि हम दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों कमाते हैं, तो हमारे हस्बैंड जो है सारा घर का खर्चा चलाते हैं, यहाँ तक कि हमारा भी चलाते हैं, तो हम ये जानना चाहते हैं कि हम अपनी सैलरी सेव कर सकते हैं पूरी। सुनील जी ये तो बड़ी खुशी की बात है कि आप सारा खर्चा बचाती हैं अपनी इनकम, और आपके हस्बैंड आपको चला रहे हैं आप सारा खर्चा। अगर आप अपने पैसे को कहीं इन्वेस्ट करते हैं, सेव करते हैं, उसमें कोई टैक्स नहीं है, हाँ उस पर जो इनकम आएगी उस पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। अगर आप बैंक में डिपॉजिट करवाते हैं उस पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। आप अगर टैक्स नहीं देना चाहते तो आप ऐसी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं म्यूचुअल फंड्स में या PPF में, जहां आपको टैक्स ना लगे। ऑलराइट, अगला सवाल लेते हैं। दिल्ली से हमारे साथ एक कॉलर हर्ष जुड़ गए। हर्ष जी पूछिए आपका सवाल। नमस्कार। पूछिए पूछिए। हाँ मैडम मैं ये पूछना चाहता था कि मैंने एक घर खरीदा था, बिल्डर ने मुझे वादा किया था कि 3 साल में वो मुझे घर दे देगा, लेकिन 8 से 10 साल हो गए अभी तक मुझे वो घर नहीं मिला, तो क्या मैं क्लेम कर सकता हूँ? असीम जी यहाँ पर पोजेशन की प्रॉब्लम हमेशा की तरह। हाँ बिल्कुल स्वाति, ये हमने आपके चैनल के माध्यम से पहले भी आपके साथ एक गोष्ठी की थी इस पर। अगर तो देखिए आपने कोई पोजेशन रिलेटेड कोई इनकम टैक्स एग्जेम्पशन ले रखी है, तो उसमें कोर्ट जजमेंट्स काफ़ी आजकल एक बिनाइन व्यू ले रही हैं, सकारात्मक व्यू ले रही हैं टैक्स पेयर्स के हक में, कि भाई पोजेशन में अगर डिफॉल्ट का कारण टैक्स पेयर नहीं है और बिल्डर्स हैं, तो पोजेशन रिलेटेड अगर आपने कोई टाइमलाइन रिलेटेड कुछ इन्वेस्टमेंट कर रखी है, तो वो उस पर कोर्ट्स का बड़ा एक पॉजिटिव और बिनाइन सा एक व्यू पॉइंट है। अब जहाँ तक आ गई आपकी बात, कोई कानूनन अगर आप उसमें आप देखिए कंज्यूमर कोर्ट भी जा सकते हैं, और अब रियल एस्टेट गाइडलाइंस जो रेरा है RE और रेगुलेटरी अथॉरिटी भी आ रही है, तो आप कोर्ट का दरवाज़ा बिल्कुल खटखटा कर सकते हैं। और वैसे भी रियल एस्टेट आजकल काफ़ी बैकफुट पे है डेवलपर्स, तो आप कोर्ट को प्रीमा फेसी बता सकते हैं कि इन्होंने वायदे अनुसार नहीं किया और आपकी अनजस्ट इनरिचमेंट हो गई, आपकी तरफ से सारा इंस्टॉलमेंट पेमेंट प्लान सब हो गया, तो आप बिल्कुल आप कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं और कोर्ट आपकी तरफ काफ़ी नरमी से मैंने जैसे कहा पेश आएगा। जी अगले कॉलर इस वक्त हमारे साथ जामनगर से राहुल जी हैं। राहुल जी पूछिए क्या सवाल है आपका।
मैंने 30 लाख रुपीज इन्वेस्ट किया था वाइफ के नाम से म्यूचुअल इक्विटी म्यूचुअल फंड में, और 5 इयर्स पहले, जिसपे मुझे 10 लाख का प्रॉफिट हुआ। उस प्रॉफिट को मैंने फिक्स डिपॉजिट में डाल दिया वाइफ के नाम पर ही। तो अब जो फिक्स डिपॉजिट से जो प्रॉफिट आ रहा है, अगर मैं वाइफ मेरी हाउस वाइफ है, काम नहीं करती हैं, तो अगर वो टैक्स फाइल करें और तो क्या मैं टैक्स सेव कर सकता हूँ? क्या वो भी मेरे इनकम में क्लब हो जाएगा, या वाइफ अगर अलग से टैक्स फाइल करे तो वहाँ टैक्स सेव किया जा सकता है? सुनील जी, देखिए आपके सवाल के दो पहलू में समझा हूँ। आप ये कहना चाह रहे हैं कि पहले आपने पहले जो पैसा इन्वेस्ट किया था, आपने लगाया था वो पैसा? हाँ, मेरा पैसा था वो। आपने पैसा लगाया, आपने बड़ी समझदारी का काम किया कि आपने पहले पैसा लगाया म्यूचुअल फंड में, म्यूचुअल फंड में प्रॉफिट आया, उस पर टैक्स नहीं लगा आपको, ठीक बात है? इक्विटी म्यूचुअल फंड था। हाँ जी, म्यूचुअल फंड टैक्स नहीं था। लेकिन अगर आप अब उस पैसे को, क्योंकि वो पैसा अल्टीमेटली आपका ही है, तो क्लबिंग प्रोविजंस लगने के पूरे पूरे चांसेज हैं। अगर आप वो पैसा वहीं लगाइए जहाँ पर टैक्स के, जहाँ टैक्स इनकम से एग्जेम्प्ट हो, आप उस द्वारा पैसे को इक्विटी में लगाइए। अगर आप FDI में लगाएंगे तो पूरे पूरे चांस है कि आपको सेक्शन 64 के क्लबिंग प्रोविजन लग जाएंगे। ठीक है, SMS के थ्रू एक और सवाल लेते हैं। इस वक्त दिल्ली से विजय जी हमें सवाल पूछ रहे हैं, और असीम जी आपसे मैं जानना चाहूंगी, 3 लाख के ऊपर 1 लाख का इन्वेस्टमेंट की छूट होगी जैसे कि पहले थी, या सिर्फ 3 लाख की इनकम ही फ्री है, ये इनका सवाल है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि रिबेट को छेड़ा गया है तो 3 लाख तक के ऊपर कोई टैक्स पेमेंट नहीं होगी। जो स्लैब के लाने से रिबेट को रिकॉन्फिगर किया गया है, तो 3 लाख तक इनको बिल्कुल घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। और अगर ATC में ये पैसा लगाते हैं तो 4.5 लाख तक भी इनको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जी, एक और कॉलर लेते हैं जल्दी से, गुरुग्राम से हमारे साथ विनोद जी इस वक्त है। जी विनोद जी, पूछिए अपना सवाल। हाँ मैडम, मैं विनोद कपूर बोल रहा हूँ, गुड़गांव से, DLF Phase 3 से। जी, मेरे पास काफी शेयर्स हैं जो डीमैट हुए हुए हैं, लेकिन 2004 से पहले के परचेज किए हुए हैं, और वो मेरे और मिसेज के जॉइंट नाम से हैं। तो अगर मैं उसको जो है, तब तो STT होता ही नहीं था परचेज के ऊपर, तो मैं अगर उसे जो है बेचता हूँ तो उसके ऊपर क्या टैक्स लगेगा? अगर मैं 31 मार्च से पहले बेचना पड़ चाहिए, या उसे 31 मार्च के बाद हम बेच दिया? तो सुनील जी, हम इनफैक्ट यही चर्चा कर रहे थे कि जो STT लगाने की बात की जा रही है, 10% लॉन्ग टर्म गेन टैक्स लगेगा 1 अक्टूबर 2000 पहले से अनलिस्टेड कंपनियों के लिए, और इनकी जो खरीद है वो 2004 की है। डीमैट नहीं, आपकी अनलिस्टेड कंपनी की खरीद है या लिस्टेड कंपनी की खरीद है? आपका शेयर लिस्टेड है जिसका ICICI बैंक है, RIL वगैरह है? नहीं, मेरे हिसाब से अगर आपने उसको स्टॉक एक्सचेंज से पहले खरीदा हुआ है, चाहे वो डीमैट नहीं हुआ है, उस पर टैक्स नहीं लगना चाहिए। इस पर क्लेरिफिकेशन आप बाकी है, इसके इश्यूज हमने रेज किए हुए हैं अभी कि उसमें एम्बिग्यूटी है इस सेक्शन में, क्योंकि ये जो प्रोविजन लाया गया ये पेनी स्टॉक को देखते हुए लाया गया था, कि पीछे रिपोर्ट्स आई थी बहुत सारे लोगों ने फर्जी कंपनी बना के स्टॉक एक्सचेंज में रेट बढ़ा के लिया है, तो उस पर क्लेरिफिकेशन आनी बाकी है। पर अगर आपने स्टॉक एक्सचेंज से पहले खरीदा हुआ है तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा। जी, इस वक्त एक और सवाल लेते हैं प्रतापगढ़ से, साजिद जी हमें सवाल पूछ रहे हैं, इनका ये कहना है, और असीम जी आपके लिए सवाल है, 5 लाख से ज्यादा टैक्सेबल इनकम वालों को ही रिटर्न भरना होगा या फिर उससे कम कमाई वालों को भी? नहीं नहीं, टैक्स रिटर्न भरना पड़ेगा, क्योंकि आप रिबेट या सेक्शन 80C के माध्यम से डिडक्शंस क्लेम कर रहे हैं, तो टैक्स रिटर्न जरूर आप फाइल कीजिए और उसमें पूर्ण तरीके से अपने सारे बैंक अकाउंट्स और सब चीज़ों को डिस्क्लोज कीजिए। ऑलराइट, टाइम कम है लेकिन सवालों की जो फहरिस्त है काफ़ी लंबी है, इसलिए हम आपसे कहेंगे कि फेसबुक पर आप हमें सवाल ज़रूर पोस्ट करते रहे, जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं फेसबुक के जरिए आपके इन तमाम सवालों के जवाब ज़रूर देंगे। फिलहाल असीम चावला जी और सुनील गर्ग जी हमारे साथ इस शो में जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया, तमाम सवालों की क्वेरीज को सॉल्व करने के लिए। लेकिन बताएं आपको कि ऐसे शोज हम आपके लिए लगातार लाते रहेंगे जिसमें आपकी टैक्स से जुड़ी हुई जो प्रॉब्लम्स हैं हमारे एक्सपर्ट ज़रूर सुलझाएंगे।